नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का मिनी व्लॉग जो मैं लेके आई हूँ वो है मेरा राखी स्पेशल का, क्योंकि मैंने जो राखी सेलिब्रेट की थी वो कल शाम को ही सेलिब्रेट कर ली थी, क्योंकि भद्रा काल और पूर्णिमा का जो सेव बन रहा था वो कल शाम 9 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। तो मैंने 9:02 के बाद राखी सेलिब्रेट की थी और ये लगभग 11 बजे तक सेलिब्रेशन चला था। तो उसी से रिलेटेड मैंने अपनी ये ब्लॉग बनाया है। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ट्यूसडे इवनिंग को मैंने अपने घर के पास से ही कुछ राखियां परचेज की थी। ये हमारे घर के पास में ही बिल्कुल शॉप है, ये वैसे बेसिकली स्टेशनरी की शॉप है, बट यहाँ पे हर ओकेजनली कुछ भी मतलब ओकेजन होता है उससे रिलेटेड ये सामान लेके आते हैं। तो यहीं से मैंने अपनी राखियां परचेज की थी, क्योंकि इनके पास राखी का बहुत सारा कलेक्शन था और काफी अच्छा था, यूनिक नहीं था बट हाँ बहुत अच्छा था। तो मैंने यहाँ से अपनी कुछ राखियां ले ली थी, क्योंकि मुझे वेडनेसडे को घर जाना था तो मुझे राखियाँ चाहिए थी, और कुछ रक्षाबंधन में जो पूजा होती है सबसे पहले सोने पूछते हैं, उसके लिए सोने लेने थे। तो वो सबसे पहले मैंने अपने घर के पास ही जो शॉप थी यहीं से ले ली थी। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने मायके जाती हूँ, मेरा मायके शादरे में आया है, तो मैं वहीं से अपनी मोस्टली शॉपिंग करती हूँ। बट मैंने इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे से अपनी राखियाँ परचेज कर ली थी। राखियाँ बहुत अच्छी थी, तो मैंने अपनी भाभी भैया और अपने भतीजे के लिए यहाँ से राखी ले ली थी और ये मुझे काफी अच्छी लगी थी। इसके बाद मैंने यहाँ से जब सारी राखियां ले ली थी तो इन्हीं की शॉप से मैंने मेहंदी ली थी, और उसके बाद मेहंदी लेने के बाद मैंने मतलब हमारे यहाँ एक आंटी हैं भाभी के, मतलब उनसे मैं राखी लेने के बाद अपनी मेहंदी लेके उनके पास चली गई थी मेहंदी लगवाने, क्योंकि रक्षाबंधन था और मेहंदी ना लगवाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने उनसे अपनी मेहंदी लगवाई, और मेहंदी लगवाते लगवाते ये 10 बज गए थे। फिर ये मतलब ये हमारे घर के की मार्केट है, मतलब मेरे मायके की शादरा की, शादरा में बहुत फेमस है तेलीवाड़ा की मार्केट, और यहाँ पे एक भोला शंकर चाट वाले हैं, उनकी चाट इतनी फेमस है ना कि बाहर से फूड ब्लॉगर्स भी यहाँ पे जो वीडियो बनाने आते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी है। और अब तो इनके प्राइस मतलब 50 रुपीज पर प्लेट हो गया, हमने मतलब ये जब खानी शुरू करी थी ना 7 रुपए की थी, तो इतना टाइम हो गया और ये चाट का जो मतलब टेस्ट है ना वो अभी भी सेम ही है, बहुत टेस्टी है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। फिर मुझे कुछ और राखी भी लेनी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर इस बार रक्षाबंधन पे नहीं आई, वो यहाँ पर नहीं थी, तो मुझे उसकी राखी लेनी थी, वो मैंने यहीं शादरा से ली थी। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, तो शाहदरा के तेलीवाड़ा में एक बहुत बड़ी शॉप है भारत ड्राई फ्रूट्स की, हमने वहाँ से ड्राई फ्रूट परचेज किए थे। इनके प्राइस ऑलमोस्ट जैसे चावड़ी बाजार या फिर जहाँ पे ड्राई फ्रूट की जो मार्केट है उसके जैसे ही होते हैं। फिर हमने ड्राई फ्रूट परचेज करने के बाद हमने गोलगप्पे खाया, यहाँ के ब्रजवासी वाले के ना गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं। गोलगप्पे खाने के बाद हम दूसरी मार्केट में आए, यहाँ से हमने दूसरे एम्पर्स परचेज किए, और फिर ये सब करते हुए रात के 9 बज गए थे, और 9 बजे फिर हमने भाई को टीका करा। मेरा बड़ा भाई भी है वो, बट एक्चुअली दिल्ली में नहीं था, वो बाहर गया हुआ है, तो स्टार्टिंग हमने छोटे भाई से ही की थी, और फिर वही जो भी रिचुअल्स होती हैं सब हमने फॉलो करी, और इस तरीके से राखी को हमने पहली बार अपने मतलब बचपन से लेके अब तक पहली बार है जो हमने रात को सेलिब्रेट किया था। ना बहुत जल्दी जल्दी राखी बांधी थी, क्योंकि हमें वापस घर भी आना था, और 9 बजे से तो स्टार्टिंग ही हुई थी और घर आने में भी फिर टाइम लगता, तो हमने फटाफट राखी बांधी भाभी को, भाई को और सबको, मतलब भतीजे वगैरह सबको राखी बांध के हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया, और बहुत मज़ा आया, सब आए हुए थे घर पे। मतलब मेरी बुआ लोग हैं वो तो नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करेंगी, और मैंने और मेरी मतलब दीदी ने जो ताई की बेटियां उन्होंने हम सब ने मिलके आज ही सेलिब्रेट कर लिया था। और ये वीडियो बनाई थी मेरी दीदी के बेटे ने, तो उसको थैंक यू आदू, तूने ये वीडियो बनाई, और देख मैंने तेरा वीडियो में नाम भी लिया, तो थैंक यू सो मच आदू, तूने बहुत अच्छी वीडियो बनाई।
तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बना सकूँ। और इसी तरीके से आप मेरे सारी वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले